वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जिसके अंदर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो कोई भी हो इस मसले के अंदर इस मौजू के अंदर किसी के कोई अख्तलाफ नहीं है हर कोई इस मौजू पर इस बात पर और इस मसले पर मुतफ़ है हर कोई इस चीज़ को मानता है और वह है मौत मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता हर कोई इस पर मुतफिक है लेकिन आज हम दुनिया की मोहब्बत में और बीवी बच्चों की मोहब्बत में मौत को इस तरीके से भुला चुके हैं और दुनिया के अंदर इस तरीके से मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमने मौत को बिल्कुल सिरे से ही भुला दिया और हमें यह तक ख़्याल नहीं है कि मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है मरने के बाद अल्लाह के हमें हिसाब देना है हमने पूरी ज़िंदगी के अंदर जो जो किया हर हर लम्हे का हर हर पल का हमें हिसाब देना है इस चीज़ से हम बिल्कुल गाफिल हो गए हैं उसकी वजह क्या है उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने मौत को भुला दिया और दुनिया को हमने इस तरीके से पकड़ लिया दुनिया की मोहब्बत को अपने अंदर इस तरीके से बसा लिया है जिसकी वजह से हम जो मौत के बाद हमें हिसाब देना है और हमें जिस लिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया है उस चीज़ से हम बिल्कुल गाफिल है और उस चीज़ से हम बिल्कुल बेखबर है कुरान मजीद के अंदर आता है वमा ख़ल वनसा लियाबून कि हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह ताला फरमाता है लेकिन आज हम क्या ऐसी इबादत करते हैं जैसा अल्लाह का हक है जिस तरीके से हमें इबादत करनी चाहिए क्या हम इस तरीके से इबादत करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते अगर आज हम नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर सिर्फ़ हमारा जिस्म हाजिर होता है लेकिन हमारा दिल और दिमाग कहीं और होता है अगर आज हम जक़ात देते हैं सिर्फ़ इस नीयत से ताकि लोग हमें मालदार कहें अगर आज हम हज करते हैं हमारे अंदर नीयत ये होती है लोग हमें हाजी कहकर पुकारेंगे सिर्फ़ इस वजह से हम अमल करते हैं इस वजह से हम इबादत करते हैं हमारी नीयत आज तक सही नहीं हो पाई है उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है उसकी वजह यह है कि हमने मौत को भुला दिया और दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बिठा लिया है जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा है उसमें लिखा हुआ है कि किसकी मौत कहाँ पर आएगी और कब आएगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता पांच चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है कुरान मजीद के अंदर आता है इन दिल्स कि क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के वयुनज़िल्ईस बारिश कब होगी वया मुमाफिलरहम और रहम के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के वमा तदरी नफ्सु मादा तक गदा कल क्या होने वाला है इसका इल्म भी अल्लाह ही के पास है वमा तदरी नफ्सु बे अर्दिन तमूत कि किसकी मौत कब आएगी और कहाँ आएगी और किस तरीके से आएगी ये सिर्फ़ अल्लाह ही को पता है ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है इसका इल्म अल्लाह ही के पास है तो मेरे इसको बताने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मौत कब आएगी और कहाँ आएगी और कैसे आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है लेकिन आज जब हमसे कहा जाता है लोग जब हमसे ये कहते हैं हमारे हमारा अकाबिर जब हमसे कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में आओ अल्लाह को राज़ी कर लो अल्लाह के इबादत करो तो हम ये कहकर टाल देते हैं क्या अभी हमारी तो उम्र ही क्या है अभी हमारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है कर लेंगे अल्लाह की इबादत ऐसे करके हम बातों को टाल देते हैं लेकिन मेरे भाइयों ये याद रखिए कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी और कैसी हालत में आएगी तो उसके लिए हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए हमें बिल्कुल मौत की तैयारी करनी चाहिए समझदार शख्स तो वो है जो क़यामत की तैयारी करे दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर दुनिया में रहे लेकिन जितनी ज़रूरत हो उसकी बाकदर ही अपने आप को दुनिया के अंदर लगाए और उसके अलावा अपने आप को आखिरत की तैयारी में लगाए आखिरत में जो अल्लाह ताला के सामने हिसाब होने वाला है उसकी तैयारी करे और बेवकूफ़ और अहमक शख्स वो है जो दुनिया के अंदर नफसानी ख्वाहिशात को लेकर पीछे पड़ा रहता है नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करता है और क़यामत की तैयारी नहीं करता वो अहमक और नालायक शख्स कहलाया गया है और हम मौत की तैयारी तभी कर सकते हैं क़यामत की तैयारी तभी कर सकते हैं जब हम दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की रगबत और दुनिया के इस जेब जेबाइश से दूर रहकर सिर्फ अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें तो दोस्तों ये कहना छोड़ दो कि हमें पता है कि हम अभी ज़िंदा रहने वाले हैं हमारे सामने बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है हम अभी और लंबी उम्र जियेंगे ये सब कहना छोड़ दो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आज ही से और अभी से ही हम सबको मौत की तैयारी करने की तोहफ़ी अता फरमाए मेरे दोस्तों सिर्फ़ अपनी कोशिश से कुछ नहीं होता अल्लाह से मांगना भी पड़ता है अल्लाह ताला यूँ फरमाता है कि मांगने के लिए कोई लंबी चौड़ी दुआ याद नहीं होनी चाहिए कोई अच्छी ज़बान कोई उर्दू ज़बान कोई मतलब शीरी ज़बान होना ज़रूरी नहीं है अल्लाह के सामने अल्लाह दिल को जानता है दिलों की कैफियत दिलों की हालत जानता है अल्लाह के सामने जैसे भी तुम्हें आता है टूटे फूटे अल्फाज में जिस तरीके से तुम मांग सकते हो अल्लाह ताला से मांगो तभी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक देगा कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें मेरे दोस्तों अब ये कहना छोड़ दीजिए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है आगे हम अल्लाह ताला की इबादत कर लेंगे अभी हम दुनिया के अंदर अपनी कमाई और अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा लें यह कहना छोड़ दीजिए कमाइए इसमें कोई मना नहीं है लेकिन साथ साथ अल्लाह की इबादत और अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया भी हमें तलाश करना चाहिए तो दुआ कीजिए हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि जितने भी हमारे मुसलमान भाई आज गफलत में हैं वो लोग मौत को भुला चुके शायद हो सकता है इस वीडियो के बाद उनके दिल में एक तमन्ना जगे उनके दिल में भी एक उम्मीद की रोशनी जगे कि वो भी अल्लाह ताला की इबादत में लग जाए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Khuda the half